अस्सलामुअलैकुम। आज अल-मरजान रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आई है। बहुत ही आलीशान इंटीरियर और लज्जतदार खाने यहाँ पर खिलाए जाएंगे इंशाल्लाह। अरबी और बारबेक्यू स्टाइल का खाना है। मैं हमारे अफरोज़ साहब, ज़ुबैर साहब और नईम साहब तीनों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इनके कारोबार में खैर बरकत अता करे और इन लोग सबको कामयाब अता। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी अभी अल-मरजान होटल की ओपनिंग हुई है। अल-मरजान ग्रुप को, गोला फैमिली को, कोटोरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ गुलबर्गा में बारबेक्यू टाइप का। ये पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। मैं समझती हूँ यहाँ की पब्लिक एंजॉय करेंगी ये चीज़ को और मैं तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज जो हम ये होटल का उद्घाटन करें, हम लोग सभी तरह बैठे हैं। गुलबर्गा नहीं, कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा एक ऐसी नगर है। इधर सेंट्रल कॉलेज, 5 यूनिवर्सिटी हैं और हैदराबाद डेवलपमेंट बोर्ड बोल के पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट के इधर ही लोग आते, पब्लिक बहुत आते, मगर क्वालिटी होटल्स नहीं थे। बहुत अति अवश्य पब्लिक को अच्छा तरह क्वालिटी होटल का ज़रूरत था कि हमारे अजमुला गोला साहब ने आज ये क्वालिटी होटल निकाल के बहुत अच्छा काम कर रहे कि लोगों को अच्छी तरह से खाना मिलेंगे सबको। ये उसको मैं गुलबर्गा, तमाम गुलबर्गे लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल-मरजान बारबेक्यू और अरेबियन रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ है। इस मौके पे मेरे छोटे भाई अजमल गोला साहब को और उनके तमाम ब्रादरान को और नईम साहब गटोरी उनको और तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गुलबर्गा में बारबेक्यू नेशन के जैसा पहली बार ऐसा कोई रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। इसको जो ओपन कर रहे हैं इनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और लोगों से अपील करता हूं यहां आकर एक बेहतरीन आप टेस्ट कर सकते हैं हैदराबाद और बेंगलोर बॉम्बे के जैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मेरे छोटे भाई अजमल गोला साहब और ज़ुबैर गोटेरी साहब को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज एक अल-मरजान नाम से जो यहाँ पर मंदी के लिए और बारबेक्यू नेशन के लिए जो हैदराबाद और बेंगलोर में जिस तरीके के ब्रांचेस हैं सेम उसी तरीके का ब्रांचेस यहाँ पे ओपन किया गया है। मैं गुलबर्गा शहर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना सफ़र छोटा करते हुए गुलबर्गा शहर में ठीक हैदराबाद और बेंगलोर के जैसा आप यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे कि अल-मरजान अरेबियन एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है अरेबियन थीम कॉन्सेप्ट है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट अरेबियन डिशेस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अरेबियन मेन सिग्नेचर डिश है मंदी है, खप्सा है, बुखारी राइस है, फहाम है, हनीद है, बकलावा है, स्वीट में जैसे डेजर्ट में बकलावा है, कुनाफा है, मखलूबा है, कंप्लीट अरेबियन डिशेस इंशाल्लाह मिलेंगे। फैमिली का बिल्कुल ख्याल रखें। ये जैसे कि पार्टी ऑर्डर्स हैं 50 मेंबर्स हो 100 मेंबर्स हो इंशाल्लाह ऑर्डर लेंगे। 1 डे बिफोर या 2 डे बिफोर हमको अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। बेसिकली इसका जो थीम है वो टोटली अरेबियन है और ऊपर जो बीबीक्यू रेस्टो है वो बारबेक्यू है। गुलबर्गा में दोनों भी जो आए हैं बारबेक्यू नेशन के जैसा एक गुलबर्गा में बारबेक्यू जो है वो अभी तक किसी को मिला नहीं है। न्यू कॉन्सेप्ट है और कम्प्लीटली उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जैसा अरेबियन में आपको हर वो चीज़ गुलबर्गा में अभी अवेलेबल कम्प्लीट कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि जहाँ पे अरेबियन कंप्लीट मिलता है। तो हम नया सोच के नए थीम के साथ आए हुए हैं, आपको उस तरीके का टेस्ट देंगे जो आप उम्मीद करते हैं कि कोई रेस्टोरेंट से और वैसी सर्विस मिलेंगे आपको और आपका कॉपरेशन रहेगा। खुसरो बाबा के बिहाफ पे मुस्तफ़ा बाबा आके आज जो ओपनिंग किए हैं उनका बहुत दिल और गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम कनीस फातिमा मैम का और अलम प्रभु पाटिल साहब का, शरण प्रकाश पाटिल साहब का और तमाम चीफ गेस्ट का, मज़र आलम खान साहब का, आदिल सुलेमान साहब का,
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कीमती वक्त इस ओपनिंग में दे के और इसको दो चांद लगाए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद भी करता हूँ गुलबर्गा के अवाम से कि वो आएंगे, टेस्ट करेंगे, अगर कोई चीज़ रहेगी तो उसमें हम उसको रिव्यू लेंगे, कस्टमर रिव्यू भी रहेगा यहाँ पे और उसको हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अपोजिट आयशा मस्जिद, टीपू चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा।